क्वेश्चन थ्री देखिए, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आर रियल एंड इक्वल, द गिवन पॉलिनोमियल इज, वो हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और वो कह रहा है कि जो रूट्स है ना वो रियल एंड इक्वल हैं, देन विच ऑफ द रिलेशन इज ट्रू, तो रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन, कब होते हैं, जब बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल आता है तब हमारे जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। तो यहां से हमें वो कंडीशन निकालनी है जो ऑप्शंस में दे रखी है, तो इसको इधर ले आते हैं, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर ए सी, एंड यहां पर आप इस फोर को इधर ले आइए, बी स्क्वेयर बाई फोर इज इक्वल टू ए सी। अब आप अपने ऑप्शन से मैच करें तो सी आपको एज इट इज ऐसा ही दिख रहा है तो उसे आप यहां पर टिक कर लेंगे, कंडीशन ये ही है। अब अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा, हो सकता है कि वो यहां पर इस ए सी को इधर ले आए फोर को इधर रखे, तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन पर, बट कंडीशन तो यही है जो आपके रियल एंड इक्वल के लिए होती है।